जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के प्लेटफॉर्म से मैं हाफिज़ मोहम्मद अरसलान। जी व्यूअर्स, आज हम कंपैरिजन करेंगे 250 स्क्वायर यार्ड्स के दो प्रीसेंट का, प्रीसेंट 6 और प्रीसेंट 8 का। इसी की डिटेल आज आपको देंगे। बिलाल भाई मेरे साथ मौजूद हैं। बिलाल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान भाई आप सुनाए, खैरियत? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बिलाल भाई, आज हम कंपैरिजन करेंगे और आपसे इनके डिटेल जवाब लेंगे भी क्या क्या इनकी लोकेशंस हैं, सराउंडिंग्स हैं, और मेन गेट से डिस्टेंस कितना है, इनकी क्या आजकल प्राइसेस जा रही हैं। तो सबसे पहले तो आप इनकी मेन गेट से डिस्टेंस और लोकेशन वगैरह डिफाइन कर दें। जी अरसलान भाई, 250 गज़ के जितने भी ओवरऑल प्रीसेंट है ना बहरिया में, सबसे जो नज़दीक तरीन प्रीसेंट है वो प्रीसेंट 6 और 8, और सबसे पहले तो आता है 250 गज़ का प्रीसेंट 1, वो तो बिल्कुल मेन गेट के पास है। उसके बाद जो है ये प्रीसेंट 6 और 8 ही आता है। मेन गेट से इसके डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन कोई 2 से 2.5 किलोमीटर हम कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है ना इनका मेन गेट से डिस्टेंस है। और स्ट्रीट टूर देने का मकसद हमारा ये है आज, इसलिए हम ये वीडियो सारी बना रहे हैं कि क्लाइंट की क्यूरी भी थी कि जो है ना हमें स्ट्रीट टूर दिया जाए, यहाँ पर जो है ना दिखाया जाए कि किस हद तक जो है ना कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और कितने परसेंट जो है फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं। इस टाइम हम प्रीसेंट 6 में मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं मेरी लेफ्ट और राइट साइड पर, दोनों साइड पर जो है ये प्रीसेंट 6 ही है। ठीक है, प्रीसेंट 6 का कुछ एरिया जो है वो बिल्कुल हाइटेड लोकेशन पर है और कुछ जो है वो डिप्रेशन पर है। इस टाइम हम रोड 12 पर जो है ना ट्रैवल कर रहे हैं, तो रोड 12 पर ही आप देख सकते हैं कि ये एक घर जो है हमारे जो गुज़र के गया वो ग्रे फॉर्म में था और दूसरा जो है ये आ रहा है ये फिनिशिंग मराहल पर है। और ये इसी एक रोड 12 पर ही हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन कोई 8 से 10 घर जो है ये बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है। और सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन 6 और 8 में 250 गज़ के लिहाज से हो रही है, प्रीसेंट 1 के अलावा। अच्छा बिलाल भाई, ज़रा आप ये डिफ़ाइन करें कि इनके सराउंडिंग्स में क्या क्या है, प्रीसेंट 6 और प्रीसेंट 8 में क्या फ़र्क है दोनों के सराउंडिंग में? अच्छा, प्रीसेंट 6 जो है ना इसके बिल्कुल साथ जो है ना मिडवे बी है और दूसरी तरफ जो है बहरिया हिल्स है, मिडवे ए है और हेड ऑफिस है। तो इसकी सराउंडिंग इस लिहाज से अगर देखते हैं तो हम बहुत ही प्राइम लोकेशन है। और 8 भी जो है बिल्कुल इसके सामने ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। रेट में जो है ना वो भी इतना डिफरेंस नहीं है इन दोनों प्रीसेंट में। तो बहरिया हाइट्स है और उसके बाद जो है डेस्कॉन टावर है आपके, ये सारी चीज़ें इनकी सराउंडिंग में आती है। अच्छा बिलाल भाई, ज़रा कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएं कि दोनों प्रीसेंट्स में किस लेवल की कंस्ट्रक्शन है और कितने कितने परसेंट कंस्ट्रक्शन हो गई है। अगर कल को क्लाइंट्स कहता है कि मैं अपना घर स्टार्ट करके यहाँ पे फैमिली शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की? जी अरसलाम भाई, यहाँ पर जो है ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के आपने बारे में पूछा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना यहाँ पर 250 गज़ के जितने भी प्लॉट हैं तो तकरीबन कोई 1.60 करोड़ से लेकर कोई 1.70 करोड़ या 80 लाख के राउंड बोर्ड जो है ना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पर फॉल करती है। तो जिसमें जो है कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर जो है बहरिया की तरफ से जो है ना वो 3 तरह की जो है ना कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होती है, ए प्लस और बी और ए, ये 3 कैटेगरी है। तो इसमें जो है ना तकरीबन ये कोई 1.70 के राउंड बोर्ड जो है ना हमें ए प्लस कैटेगरी की जो है ना कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो है ना कॉस्ट करती है। तो अगर हम यहाँ पर 1.60 करोड़ के राउंड बोर्ड जो है ना हम प्लॉट परचेज़ करते हैं, कोई जर्नल प्लॉट, तो तकरीबन 1.60 करोड़ रुपए का प्लॉट है और 1.60 करोड़ ही हम लोग जो है ना उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा लेते हैं। तो तकरीबन 3.20 करोड़ के राउंड बोर्ड जो है ना हमें यहाँ पर कंप्लीट घर जो है ना फिनिशिंग मराहल सारी कंप्लीट होकर कंप्लीट घर जो है ना वो मिल जाता है। 3.20 करोड़ के राउंड बोर्ड जो है ना हमें वो कॉस्ट पड़ती है ओवरऑल प्लॉट की भी, और उसमें जो है कंस्ट्रक्शन की भी कॉस्ट ऐड कर ली जाए तो तकरीबन यही कोई 3.20 करोड़ के राउंड बोर्ड जो है ना हमें सारी चीज़ें मिलती है। अच्छा बिलाल भाई, यहाँ पे कितने परसेंट, मैंने ये भी पूछा था, अभी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन अरसलान भाई यहाँ पर जो है ना तकरीबन जैसे 50-60% हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन हो गई है। फैमिलीज़ भी आप देखें कि यहाँ पर किस हद तक जो है ना मूव हो चुकी हैं, कोई जितने भी घर यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं ये यहाँ पर जो है ना वो जो भी घर कंप्लीट हो रहा है तो फैमिलीज़ जो है ना यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं। ये इस टाइम जो है ना हम लोग लूप रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं। लूप रोड पर आप देख सकते हैं कि मेरी लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों साइड पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना घर कंप्लीट है और कंस्ट्रक्शन कुछ जो है
फिनिशिंग मरहल में है और कुछ जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं और कुछ जो है ग्रे फॉर्म में है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर जो है तकरीबन अगर हम ये लूप रोड की बात करें तो तकरीबन कोई यहाँ पर ही जो है 10 से 15 फैमिलीज जो है ना यहाँ पर ही शिफ्ट है। जी बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, प्रीसेंट 6 को लेके या प्रीसेंट 8 को लेके या ओवरऑल बहरिया टाउन कराची को लेके आपकी किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप रابطہ कर सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।